Time for a love potion, a little sweet advice, throw it all in a cup. सो हे वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लैक विंडो फैमिली गाइस गाइस कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे हो गए आगे बढ़िया रहना। सो भाई लोग आज का इस वीडियो में बताने वाला हूँ टू फिंगर एकदम बेस्ट कस्टम एचयूडी। भाई लोग अगर आप टू फिंगर खेलते हो फ्री फायर तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई लोग, बहुत ही खतरनाक ऑटो हेडशॉट वाला एकदम टू फिंगर एचयूडी बताऊंगा कस्टम एचयूडी। भाई लोग आप लोग भी अगर टू फिंगर खेलते हो तो भाई लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक वीडियो का हर एक क्लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आप एक भी क्लिप मिस कर देते हो तो आप ऐसा मतलब जो कस्टम एचयूडी ऑटो हेडशॉट का वो अच्छा से आप नहीं कर पाओगे। और इसमें मैं सब कुछ बताऊंगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, कितना किसका साइज रखना कस्टम एचयूडी। भाई लोग इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं अपना हैंड कैम के साथ, तो भाई लोग हैंड कैम के साथ आपको सिखाया जाएगा इसमें, ठीक है। पूरा कस्टम एचयूडी बताऊंगा पूरा हैंड कैम के साथ, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है विथ हैंड कैम, ठीक है। तो और भाई लोग इस मतलब जो कस्टम एचयूडी जो बताऊंगा मैं, उसको अगर आप अप्लाई कर लोगे भाई लोग, बहुत ऐसा मतलब टाइम आएगा जिसमें आपका मतलब ऑटो हेडशॉट लग जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा ड्रैग करोगे ऑटो हेडशॉट चिपक जाएगी, ठीक है। तो ऐसा टू फिंगर कस्टम एचयूडी बता रहा हूँ, ठीक है। सो भाई लोग आप यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे और चलते अपना गेम का सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सो भाई लोग यहाँ पे अपना गेम को ओपन कर लिया और अपना सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। सो भाई लोग यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लिया और यहाँ पे जो लेफ्ट फायर बटन है यहाँ पे देख सकते हो, उसको ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको ऑन कर लेते हो जो लेफ्ट फायर बटन है, तो आप जब स्केप करके भागोगे आपको बंदा अगर मारेगा तो पीछे अगर भागोगे बैक जाओगे तो उससे गाइस आप बहुत स्पीड से पीछे जा सकते हो, और पीछे आगे वाला जो बंदा होगा आपको एक गोली भी आपको नहीं मार पाएगा आपका बॉडी पे, ठीक है, या फिर हेड पे। सो भाई लोग यहाँ पे हमने बात कर लिया लेफ्ट फायर बटन की, भाई कितना पे उसको रखना चाहिए और भाई लोग वहाँ पे उसको कैसे यूज़ करना है। आप बात करते हैं यहाँ पे सभी बटन का जो साइज़ है वो कितना रखना है, तो यहाँ पे मैंने सभी बटन का साइज 70 से अबव रखा है, राइट फायर बटन को छोड़ के सभी का 70 से अबव है। तो आप लोग भी सेम टू सेम कॉपी कर लेना, आप लोग ज़्यादा ना कम करना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, ठीक है। और जो राइट फायर बटन का जो साइज़ है वो 45 रखना, यानी कि 40 से 50 के बीच में, तो मैंने 45 रखा। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का जो लाइन खींचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन जो कि मैंने दिया, वो इसलिए दिया है ताकि जो फायर बटन है उसका नीचे जितना रखेगा और जितना मतलब जितना नीचे रखे उतना अच्छा से ड्रैग हो पाएगा, उतना अच्छा से ऑटो हेडशॉट लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको दिखाया हूँ ग्लूअल और उसको नीचे रखना उसका। भाई लोग यहाँ पे जो 7 हाईलाइट थे उसको छोड़ा के जितना भी मतलब बटन है जो उतना यूज़ नहीं होता उसको सभी को हाइड कर देना या फिर वहां से क्लीन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 7 जो यहाँ पे मैन बटन है उसको हाईलाइट कर दिया हूँ। और इसको गाइज इस तरह कुछ यूज करना, पहले जैसे कि एक नंबर में आपको रनिंग करना है, सेकंड में आपको गन चेंज करना, थर्ड में आपको जंप करना है, देन फायर करके, और फायर जैसे ही करोगे वैसे ही आपको यहाँ पे 5 नंबर में जैसे कि ग्लूअल दिख रहा है टच करके, एंड 5 पे और 6 पे बैठना है और सीटअप लगाना, फिर से वहाँ पे आपको फायर बटन को टच करके ग्लूअल लगाना है। अब जितना भी चीज़ मैंने यहाँ पे समझाया, अब चलिए अपना हैंड कैम के साथ इसे समझते हैं, ठीक है। और इसी से सब कुछ होगा, क्राउच ग्लू वॉल सीटअप रनिंग एंड फायर सब कुछ इसी से होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लो एक हैंड कैम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला हैंड कैम आप देखोगे, ठीक है, ये वाला जो हैंड कैम है इसके साथ मैं समझाऊंगा, ये अभी स्लो डाउन करके पीछे जो मैं डायग्राम दिख रहा हूँ उसको अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। जैसे मैं रनिंग कर रहा था एक नंबर में, सेकेंड में मैंने गन चेंज किया यहाँ पे देख सकते हो, एंड थर्ड में जंप किया, देन यहाँ पे फोर्थ नंबर पर यहाँ पे मैंने बंदे पर ड्रैग किया, और फिर जैसा ही हेड आया मैंने तुरंत से ग्लूअल 5 नंबर पे छुआ टच करके, और फिर नीचे बैठा 6 नंबर पे, और यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन से मैंने स्विच करके ग्लूअल लगा दिया, ठीक है, क्राउच करके। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपने पीछे देखा कि मैंने ये सब जितना भी काम किया वो बहुत ही स्पीड से कर रहा था, मतलब तुरंत तुरंत करना, आपको लेट नहीं करना है, ठीक है। और स्पीड तभी आपका बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत आप करोगे और मतलब पूरा स्पीड करने लगोगे, मतलब थोड़ा सा जब प्रैक्टिस कर लोगे, आपको ट्रेनिंग में जाके या फिर कहीं पर प्रैक्टिस करना है वीडियो को देख देख के, ठीक है। और जब प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई लोग, कसम से मतलब बहुत ही स्पीड ग्लूअल लगाओगे, बहुत ही खतरनाक हेडशॉट मारोगे, सीटअप ग्लूअल सभी मार सकते हो एकदम, बंदा आगे देखेगा तो बोलेगा भाई पीसी वाला प्लेयर एकदम पूरा फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आपको अचानक से फास्ट फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे आपका मूवमेंट फास्ट होगा, मतलब धीरे धीरे, और ऐसे मतलब हड़बड़ा के पूरा स्पीड से नहीं करना, मतलब धीरे धीरे सीखना, ठीक है, धीरे 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 स्पीड करते जाना आपको। और ये तभी होगा जब अपने साथ आप ड्रिल करोगे अपने फिंगर को, ठीक है, आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। सो आई होप भाई लोग आप वीडियो से कुछ सीख पाए होगे, ठीक है। अगर नहीं मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी आ रही है तो वीडियो को स्लो डाउन करके आप फिर से देख लो, ठीक है।
सो भाई लोग वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज। Sweet and spice, throw it all in the cauldron, mix it up in there.